देश के लिए दी जान और दुश्मनों को दिया मुंह तोड़ जवाब। ऐसे क्रांतिकारियों को याद करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई जिसका नाम है इंडियन फाइटर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और आज का हमारा प्रोग्राम है इंडियन फ्रीडम फाइटर। दोस्तों, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम उन क्रांतिकारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी वजह से हम आजाद हुए। लेकिन हम सब जानते हैं अंग्रेजों ने कोई आसानी से आजादी हमें नहीं दी। आजादी प्राप्त करने की हजारों नौजवान क्रांतिकारी साथी अस्त्र-शस्त्र फांसी के फंदों को सुन गए थे। उन सब शहीदों के चरणों में मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, क्योंकि किसी कवि की वो चार पंक्तियाँ मुझे बहुत याद आती है। उन्होंने लिखा था कि पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये पंथ कौन अपनाएगा, लोगों के मुंह से कौन अकल, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बक्स पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा, मुझे न गए सही तो फिर ये बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। उन सभी ज्ञात और अज्ञात कई को तो हम जान गए, मेरी कई में कभी कभी थोड़ी तकलीफ होती। देश को आजादी दोनों धाराओं में दिलाई, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन का योगदान कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। बापू विश्व बंद है और दूसरी तरफ भगत सिंह हो चंद्रशेखर आजाद हो उनके नेतृत्व में एक क्रांतिकारियों की अलग धारा चली। वास्तव में दोनों धाराओं का महत्वपूर्ण योगदान है और इसलिए ऐसे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और अमर शहीदों को मैं एक बार फिर 6.5 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से प्रणाम करता हूँ। धन्य थी वो माए और धन्य थी वो बहने, धन्य थी वो सुहागने जिन्होंने अपने सुहागों को तिलक लगाकर फांसी के फंदे चूमने के लिए भेज दिया। दोस्तों, इंडियन फ्रीडम फाइटर परिवार की ओर से और आप सबकी ओर से मैं उन सभी क्रांतिकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अंग्रेजों की यातनाएं सही। दोस्तों, आज देश का जो माहौल है, हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से आतंकवाद छाया हुआ है, हम में से कौन नौजवान शहीद भगत सिंह बनेगा, हम में से कौन सुखदेव बनेगा। दोस्तों, आज जरूरत है हमारी भावनाओं की और उन परिस्थितियों को समझने की कि हमारी क्रांतिकारियों ने किस तरह से हमें आजाद करवाया था। हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि हमारे आज के नौजवान क्रांतिकारियों के बारे में, देश के बारे में, शहीदों के बारे में कितना सोचते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं शशांक जी के पास। आपका नाम? समरीन खान। समरीन जी, आप ये बताएं कि तात्या टोपे ने अंग्रेजों से कहां कहां कितने राज्यों में युद्ध किया? 3 राज्यों में करा था, मध्य प्रदेश और राजस्थान और पंजाब। गुड। अच्छा, मंगल पांडे को अंग्रेजों ने किस लिए फांसी की सजा दी? उन्होंने जो तोप चलाते थे उसमें वो कारतूस जो चलाते थे उसमें वो लोग मांस का यूज़ करते थे बनाने में, तो उसकी वजह से उनने उसका विरोध किया था, उसकी वजह से उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। आप बताएं सर, अगर हम आज आज़ाद नहीं होते तो इस तरह इस कॉलेज में नहीं होते, और अगर हमें आज़ादी नहीं मिल पाती, हमारा भी वही हाल होता है जो पहले गुलामी के टाइमों में सबका था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुफीना सिद्दीकी। तो कोई दो नाम बताइए जिन्हें आप जानते हैं। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें कुछ तो जानकारी है। गांधी जयंती हम कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को किस जानी मानी गायिका ने गाया था? लता मंगेशकर। थैंक्स। मेरा रंग दे बसंती चोला, इस गीत को राजेंद्र मेहता के साथ किस पॉपुलर सिंगर ने गाया था? I don't know. मेरा रंग दे बसंती चोला, मनोज कुमार से वो थे। I don't know. नहीं, सॉरी। अच्छा, गा के बता दीजिए। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे। आगे नहीं आता, सॉरी।
चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलिस्ता हमारा, सारे स्टूडेंट में से कौन बताएगा इसके गीतकार का नाम? आई डोंट नो। चलिए, किस गायिका ने इसे गाया था? सोनम ठाकुर। सोनम ठाकुर, सोना ठाकुर। सही जवाब दिया इन्होंने, सोना ठाकुर ने इसे गाया था। अगर हम आज़ाद नहीं होते आज हमारा भारत कैसा होता? अगर हम आज़ाद नहीं होते तो बहुत बुरा हाल होता हम लोगों का। शायद हम लोग जिस तरह से अभी खुलेआम चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शायद हम वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे देश का बहुत बुरा हाल कर दिया था। आपका नाम बताएं? नेहा। नेहा जी, आप बताएं कि अगर हम आज़ाद नहीं होते आज कैसे होते? इतने अच्छे ढंग से चल जी नहीं पाते जितने अच्छे ढंग से रह रहे हैं, और स्वतंत्र होते और क्या। नाम बताएं? मोनिका। अगर हम आज़ाद नहीं होते तो हम कैसे होते आज? अगर हम आज़ाद नहीं होते तो हम अंग्रेज़ों के गुलाम होते, हम अपने मर्जी से यानी स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर पाते। फिर आज इतनी अच्छी एजुकेशन हम हासिल कर पा रहे हैं तो सिर्फ इसीलिए कि हम आज़ाद हैं, ना ही हम इतनी अच्छी एजुकेशन कर पाते और ना ही हमारा भारत फिर इतने आगे होता। चलिए, हमारे स्टूडेंट बहुत ही होनहारे, इन्होंने बहुत ही अच्छे सवालों के जवाब दिए हैं। दो क्रांतिकारियों के नाम बताएं? भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छे काम किए और आज हम जो इतने इंडिपेंडेंट हैं इन्हीं के मेहनत के कारण हमें इतनी आज़ादी मिली है। शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि गांधी जी किस दल के नेता थे, नरम दल या गर्म दल? नरम दल। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर आज़ाद नरम दल के नेता थे या गर्म दल के? गर्म दल के। राइट। मिस आचल रावल। आचल जी, हाँ जी। आचल जी, आप बताएं हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। राइट, हाँ जी। आप बताएं? मोर। पक्का? पक्का। चलिए ठीक है, इन्होंने इस सवाल का सही जवाब दिया। आप बताएं राष्ट्रपिता हमारे देश में किन्हें कहते हैं? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को, हाँ जी। राइट, आप राइट बताएं? राइट, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। चलिए, इन्होंने इस सवाल का जवाब भी बिल्कुल सही दिया। अब बताएं आपके हमारे राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? पशु कौन है? गाय? नहीं, सॉरी, क्या है? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। बाघ। बाघ, आप बताएं? कोई बाघ है? शेर। बाघ, शेर, 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 शेर। इस सवाल का जवाब भी इन्होंने बड़ी खूबसूरती से दिया, थोड़ा सोचना पड़ा लेकिन सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है। आइए हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आप बताएं? मालूम नहीं है सर, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। रासे नाम था शायद कुछ। मैं शुरू में बता दूं उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। हाँ, डॉक्टर रब। जवाब। नमस्कार, आपका नाम? मैं डॉक्टर प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी। मैं आप? डॉक्टर दीप्ति। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, 1857 की क्रांति के टाइम पे एक तवायफ हुआ करती थी, उसका नाम जानना चाहता हूँ कि उसने 1857 की क्रांति में बहुत विशेष योगदान दिया था, उसका नाम? आप अजीजन भाई के बारे में बात करना चाहते हैं शायद? राइट, बिल्कुल, मैं अजीजन भाई के बारे में बात करना चाह रहा था क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में हमारे क्रांतिकारियों को बहुत ही साथ दिया था। हमारे देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो उनने अपनी जान परिवार सब चीज़ न्यौछावर करी और समर्पित कर दिया सब कुछ आज़ादी की लड़ाई के लिए, हम लोगों को उस खून का सम्मान रखना चाहिए, इस देश को अपना समझना चाहिए। चलिए, यहाँ कुछ स्टूडेंट बैठी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो हमारे देश के क्रांतिकारियों के बारे में कितना जानती हैं। आपका नाम? हेमा नामदेव। हेमा नामदेव जी, आप क्या करती हैं? MSc प्रीवियस विद एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन की फील्ड से हैं हम लोग। अच्छा, आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा होगा? पढ़ा भी है और हम उसी कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं। चलिए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बताती हूँ, ग्वालियर।
नहीं, झांसी में लेकर उनकी शादी हुई थी, ये तो बताएं। अच्छा ये बताएं कि उनके बचपन का नाम क्या था? मनु। वाह। अच्छा उन्होंने कहाँ कहाँ युद्ध किए थे? ग्वालियर का किला जीता था उन्होंने। उनकी शहीद होने की तारीख याद है? तारीख तो याद नहीं है लेकिन 1857 आई थिंक। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने तात्या टोपे को किस जंगल से गिरफ्तार किया था? पाड़न के जंगल। याद है जी? पक्का? पक्का। चलिए आप बताएं। या, सही बोल रही हूँ। तीनों ने एक सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया। या उस भील नायक का नाम बताएं जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। तात्या भील। टांट्या भील। एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, उनसे जमकर लड़ाई की थी, अंग्रेज उनके बारे कांपते थे। हम जमीर साहब और समीर साहब के साथ बैठे हुए हैं। दोस्तों हम आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं जी, हमारे देश के क्रांतिकारियों के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ जानते हैं? नहीं जानते, मतलब ये है कि उन्होंने अपने देश के लिए काफ़ी अच्छा कुछ किया है जिसकी वजह से आज हम मतलब खुली आज़ादी में जी रहे हैं। हाँ। और अच्छा हमारे देश के क्रांतिकारियों किसी दो के नाम बताइए आप, किसी दो क्रांतिकारी का नाम, कोई भी हो सकता दो क्रांतिकारी। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। इन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम बताया है। ये दो हमारे देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने किस गद्दार राजा की वजह से गिरफ्तार किया था? मान सिंह। राइट जी, सही बोला आपने जी, मान सिंह। राजा मान सिंह ऐसे गद्दार राजा थे जिनकी वजह से तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और उन्हें मार दिया गया। कुछ लोगों ने सही जवाब दिए, कुछ ने गलत जवाब दिए। आइए हम कहीं और चलकर ढूंढते हैं आज के इस प्रोग्राम का इंडियन आइडल। आप चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में? चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे एक युवा क्रांतिकारी थे जो कि देश के लिए देखा जाए तो युवा पीढ़ी की मार्गदर्शक थे और जिन्होंने अपना पूरा देश के लिए अपना जीवन ही बलिदान कर दिया। देश जब से आज़ाद हुआ है शायद सभी ने आज़ादी के बाद से देश के लिए सोचना शायद लोगों ने बंद कर दिया है। आजकल जिसको जहां मौका मिलता है आदमी वहां अपना फ़ायदा देख के कुछ ना कुछ देश को खोजने मिला। आइए हम मुलाकात करते हैं यहां पे बैठे हुए कुछ लोगों से। बात कर रहे हैं मिस्टर अभित जी से। अभित जी बताएं कि अगर हम आज़ाद नहीं होते और हमारा देश आज़ाद नहीं होता तो आज हमारे देश की क्या स्थिति होती? देखिए सवाल आपका बहुत वाजिब है कि जिस प्रकार जिस्म होता है इंसान का, जिस्म तो है उसके अंदर आत्मा नहीं है, शरीर में आत्मा के बिना शरीर जिस प्रकार होता है उस प्रकार इस देश की स्थिति होती कि इस देश के अंदर व्यक्ति होते, नागरिक होते पर वो बेजान होते, उनमें कोई जान नहीं होती और वो एक जीवन के स्वरूप जीवन जीते परंतु गुलामी का जीवन व्यतीत करते। और मैं यही कहूँगा कि शरीर के बिना आत्मा जिस प्रकार होती है उस प्रकार का जीवन हमारा आपका होता है। अंसारी जी आप बताएं कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कौन सी तारीख और कौन से सन में हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906। देखिए आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे सवाल का। आइए हम मिस्टर अविज जी से पूछते हैं। अविज जी आप बताएं चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? देखिए जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे एक महान क्रांतिकारी थे, अगर हम ये कहें कि उनका जन्म कहाँ हुआ था तो उनका जन्म जो मातृभूमि की गोद में हुआ और मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए उनके जन्म को कहीं एक जगह बांधना सीमित नहीं होगा बल्कि कितना उचित नहीं होगा। फिर भी अगर पैदाइश के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के भावरा जिले में पैदा हुए थे
और उनका पूरा जीवन समर्पित रहा देश के लिए रहा, प्रदेश के लिए उन्होंने नहीं लड़ी। जिस प्रकार की झांसी की रानी ने यह कहा कि मैं झांसी नहीं छोड़ूंगी, वो केवल झांसी तक सीमित था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पूरे हिंदुस्तान की बात करी, पूरे राष्ट्र की बात करी। तो मैं समझता हूँ कि इनकी आज़ादी में जो उनका योगदान था, एक अमूल्य और महत्वपूर्ण योगदान था। वाह, हमारे सवालों को बहुत ही अच्छा जवाब दिया है इन्होंने। अब हम पूछते हैं मिस्टर जावेद जी से। जावेद जी, आप बताएं कि चंद्रशेखर आज़ाद कौन सी तारीख को शहीद हुए थे? तारीख एग्जैक्ट तो मैं बता सकता हूँ, शायद सन में कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए। 27 जुलाई को शहीद हुए थे जी, और शायद 1937 या कुछ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आप बताएं। अब साहब ऐसा है, अब शहीद तो कहीं मरते ही नहीं है, और शहीद तो शहीद ही होते हैं, और उनका ये कहना कि शहीद हुए थे, मैं तो कहता हूँ अमर हुए थे कहूँगा। और किस वो आदमी हमारे बीच में है, तो इसलिए ये कहना कि कब शहीद हुए थे मैं उचित नहीं समझता। वो आज भी हमारे बीच में है, और वो हमारे यहाँ की वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, स्थितियाँ हैं उस पर काफ़ी हैरत अंगेज़ होंगे कि आज़ादी जिस कारण से ली थी वो कारण पूरा नहीं हो पा रहा, और शायद ये डेट को मानना मैं समझता हूँ उचित नहीं हुआ। चलिए, आपका नाम बताएं जी। सैयद आरिफ अली। सैयद आरिफ अली जी, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर आपने उस क्वेश्चन का सही जवाब दिया तो आप होंगे आज के इंडियन फाइटर, ठीक है जी। तो आप बताएं, चंद्रशेखर आज़ाद को जब 15 बेटों की सज़ा मिली थी, तब उनके मुंह से कौन सा नारा निकला था? मुझे नहीं मालूम। आरिफ जी नहीं बता पाए हैं। हम पूछते हैं मिस्टर जावेद जी से। जावेद जी, आप बताएं जी। जब 15 बेदों की उनको सज़ा मिली थी, जब उन्होंने कहा था भारत माता की जय, गांधी जी की जय। चलिए, इन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है हमारे सवालों का। यह है आज के प्रोग्राम के हमारे इंडियन फाइटर। मैं हूँ शशांक, आप देख रहे थे इंडियन फाइटर।